लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नई दिल्ली एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होने या न होने पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। गांगुली का साफ कहना है कि अगला एशिया कप दुबई में आयोजित किया जाएगा, जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों टीमें खेलेंगी। पाकिस्तान सितंबर के लिए निर्धारित टूर्नामेंट के लिए नामित मेजबान था, लेकिन बीसीसीआई ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय टीम सुरक्षा चिंताओं के कारण पड़ोसी देश की यात्रा नहीं कर पाएगी, इसलिए आयोजन को पाकिस्तान से दुबई स्थानांतरित कर दिया गया है। 3 मार्च को होने वाली एशियन क्रिकेट काउंसिल की बैठक के लिए दुबई रवाना होने से पहले ईडन गार्डन्स में गांगुली ने संवाददाताओं से कहा, एशिया कप दुबई में आयोजित किया जाएगा और भारत और पाकिस्तान दोनों खेलेंगे। इससे पहले बीसीसीआई ने कहा था कि उन्हें टूर्नामेंट की मेजबानी करने वाले पाकिस्तान के साथ कोई समस्या नहीं है, बशर्ते भारत पाक तटस्थ स्थल पर आयोजित करवाया जाए। बता दें कि भारत और पाकिस्तान ने 2012 से 13 के बाद से द्विपक्षीय श्रृंखला नहीं खेली है। दोनों देशों के बीच चल रहे राजनीतिक तनाव के कारण यह दोनों टीमें 2013 के बाद से सिर्फ आईसीसी की प्रमुख प्रतियोगिताओं में ही टकराई हैं। हरमनप्रीत कौर को दी बधाई। गांगुली ने इस दौरान महिला विश्व कप में भारतीय टीम का नेतृत्व कर रही हरमनप्रीत कौर को भी बधाई दी। उन्होंने कहा, वे शानदार क्रिकेट खेल रहे हैं, वह योग्य हैं, वे अच्छे टच में नजर आ रही हैं। आइए देखते हैं कि नतीजा क्या आता है। कोहली से जताई वापसी की उम्मीद। गांगुली ने इसके साथ ही न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट मैच से पहले भारतीय कप्तान विराट कोहली का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम पहले भी मुश्किल समय से निकल चुकी है, कोहली वापसी करेंगे, मुझे यकीन है कि वे फिर से टीम को बूस्ट करेंगे, अभी एक टेस्ट बाकी है।